को, ठीक है? अब कुछ जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसी माउंटेन रेंज के ऊपर। तो इसमें लिखता है, ये अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स बैकिंग टू सम 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले इस पर्वत श्रृंखला का ओरिजिन हुआ था, ये बने थे, ठीक है? तो अगर हम माउंटेन की एज की बात करें तो ये दुनिया में सबसे पुराने पहाड़ हैं, दुनिया में सबसे पहले बनने वाले पहाड़ों में से एक है, ठीक है? बहुत पुराने हैं ये, ध्यान देना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 300 मिलियन साल पहले इनकी शुरुआत इस धरती पे हुई थी, ठीक है? हम इनकी एज का पता इससे भी लगा सकते हैं कि ये जो सारे पहाड़ हैं, ये जो यूराल माउंटेन रेंज है, ये पूरा लगभग फ्लैट हो चुका है, ठीक है? इसकी जो हाइट है ना, ऊपर से इरोजन की वजह से कट कट के ये बहुत डाउन हो चुके हैं, इनकी हाइट बड़ी कम हो चुकी है, ठीक है? तो ध्यान दो आप, जब भी बारिश होती है तो हर साल इरोजन की वजह से जो टॉप लेयर है मिट्टी की, वो बह करके नीचे मैदानी इलाकों में चली जाती है, नीचे प्लेन्स तक डिपॉजिट हो जाती है आकर के, ठीक है? तो जो पहाड़ है उनकी हाइट धीरे धीरे घटती जाती है साल दर साल, क्योंकि हर साल उनके ऊपर से मिट्टी जो है वो कट करके बह करके नीचे चली जाती है, तो उनकी हाइट धीरे धीरे ऊपर से कम होती रहती है। तो यूराल्स इरोजन की वजह से बहुत ज्यादा उनकी हाइट कम हो चुकी है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ कितने पुराने हैं, ठीक है? अगले फैक्ट की बात करूं तो इसमें लिखता है, अमंग द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर मिनरल्स की बात करें तो यूराल जो माउंटेन सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट वाला एरिया है, ठीक है? इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड कोल, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स, ये जितने भी सारे मिनरल्स के नाम मैंने लिए हैं, ये सारे मिनरल इसमें ढेरों सारी बड़ी मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी कुछ के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन भी नहीं किए हैं, तो ये पूरा रीजन जो है वो मिनरल रिच चाहिए। इसके साथ साथ ऑल्सो वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम भी इस इलाके में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है? अगले फैक्ट की तरफ चलें तो यूराल रिवर जो इसकी साउदर्न बाउंड्री को डीमार्केट करती है, यूराल रिवर तक आकर के ये जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर इसका एंड होता है, ठीक है? तो उसी की बात कर रहे हैं, यूराल रिवर राइजेस ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ साउदर्न यूराल रेंज। दो बातें यहां पर आई हैं, ईस्टर्न स्लोप्स, जब एक पहाड़ की बात कर रहा हूं तो इसके दो स्लोप होंगे। जब हम मैप की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में जो स्लोप होगा वो ईस्टर्न स्लोप माना जाएगा पहाड़ का, पहाड़ की दो साइड्स होती है ना, तो जब हम उसको देख रहे हैं उसकी तरफ मैप की तरफ, तो रशिया वाली साइड जो उसका हिस्सा है हम उसको ईस्टर्न स्लोप्स कह देते हैं, यूराल माउंटेन्स की ईस्टर्न स्लोप्स, और यूरोप वाली साइड जो हिस्सा है दैट इज वेस्टर्न स्लोप। तो यूराल जो रिवर है वो सदर्न यूराल माउंटेन का जो लास्ट का स्ट्रेच है उसके ईस्टर्न स्लोप से, यानी रशिया वाली साइड से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये कहां जाकर के इंटर होती है, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी सिर्फ नाम इसका कैस्पियन सी है, वैसे है ये लेक का नाम है, ठीक है? ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, आपको पता है लेक किसको कहते हैं, बताऊंगा कहीं आने वाली वीडियो में। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, और सबसे लास्ट का जो इसका फैक्ट मैं आपको बताऊं तो प्री पोलर एंड पोलर यूराल्स आर एल्पाइन इन नेचर विद ग्लेशियर्स मार्क्ड विद परमाफ्रॉस्ट। जो सबसे नॉर्थ की जो दो स्ट्रेच हैं इसके, पोलर यूराल्स और प्री पोलर यूराल्स, ये जो दोनों स्ट्रेच हैं इनका जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, वो आपको एल्पाइन क्लाइमेट यहां पर मिलता है। एल्पाइन का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, जहां पर बर्फ साल के मैक्सिमम हिस्से को कवर करके रखती है, ठीक है? तो ये दोनों जो इसके रीजन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है, वहां पर आपको परमानेंट वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे, झाड़ियां, उसके बाद घने जंगल, ये आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है वहां पर, बर्फ एरिया को कभी खाली छोड़ती नहीं है, तो वहां पर पेड़ कब ग्रो करेंगे, उनको ग्रो करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए वहां पर वेजिटेशन नहीं मिलती आपको। तो नॉर्थ के जो दो स्ट्रेच हैं इसके, पोलर और प्री पोलर यूराल्स, वो दोनों के दोनों परमाफ्रॉस्ट में आते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो परमानेंटली फ्रोजन रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? अब लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इंटरनेट, गूगल, इन सब की हेल्प लेकर के आप रिसर्च करके आपको मौका मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देकर के जाना। अगर आपको आंसर ना मिले तो कमेंट करके मुझे आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मांग सकते हो, तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाई द कैस्पियन सी इज कॉल्ड अ सी व्हेन इट इज अ क्लियर कट लैंड लॉक्ड लेक हैविंग नो लिंक टू द ओपन सी।
कैस्पियन सी जो एक कंप्लीटली लैंड लॉक्ड लेक है, इसके चारों तरफ से ना इसकी बाउंड्री कहीं पर भी किसी बड़े ओशन को या सी को टच नहीं करती है। तो ये पूरी की पूरी लैंड लॉक्ड लेक है, ये क्लियर कट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये कोई सी है। तो लेक होने के बावजूद भी कैस्पियन सी को, कैस्पियन जो लेक है इसको कैस्पियन सी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए कि वैसे तो कैस्पियन सी एक लेक है पर इसका नाम कैस्पियन सी क्यों है, इसको सुंदर क्यों बोला जाता है, आंसर इसका मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो आप कॉन्टिन्यूली सीरीज में लेक्चर्स को देखते चलो, मैप को हमेशा साथ रखना। जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो इस चैनल से, लिब्रा क्लासेस से, तो आपको जनरल स्टडीज का या फिर ज्योग्राफी का कोई भी लेक्चर देखना है तो आपको अपने साथ एटलस बुक जरूर रखनी है, ठीक है। एटलस के बिना आपको मेरी कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए आपको मैप प्रियोरिटी पे रखना है। मैप को देख करके आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंगली हर एक चीज, हर टॉपिक, हर पॉइंट आपको आराम से समझ आएगा, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो अगर एटलस की बात करूं तो एक एटलस का नाम आपको मेंशन कर रहा हूं मैं, ओरियंट ब्लैक स्वान एटलस, ओरियंट ब्लैक स्वान, मैं स्क्रीन पे नाम भी इसका लिख रहा हूं। अगर अगर आपके पास कोई एटलस आप यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप उसको यूज करते रहो, बट अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया और आप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो अगर, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये एटलस ले लो, ये अच्छा है काफी ज्यादा, बहुत सारे जो माइक्रो फीचर्स है ना वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो बाकी एटलस बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।